नमन जी, मैं सुनीता चौधरी, स्वागत है थारो न्यूज द्वारी पे। तो आज आप आए उदयपुर वाटी के खीवासर गांव में, जठे आप लोगों से बातचीत कर जा, बठे एक विरोध जताया जा रहा है, एक मीटिंग बिठाई जा रही है कि जो शिलान्यास हुए हो वी पर की कार्रवाई हो रही है, पट्टियां तोड़ दी गई हैं, लोगों द्वारा आक्रोश जताया जा रहा है। तो आप अभी की वजह जान सें कि आखिर सच्चाई है कि। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। जी मैं मीणा समाज से हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम है। बनाया काम हुआ है गौर के जवान, काम तो ये करना ही पहुंचा हूँ। अब नाम नजदीक है, काम तो होता नहीं। भी राजनीति राजेंद्र हुड्डा के आदमी राजेंद्र हुड्डा देखो बाप तो बहुत। देखो यहाँ काम का कोई विरोध नहीं है, गांव सब हम एक जगह बैठने वाले हैं, गांव की न्याय भी गांव में करते थे। लेकिन इस टाइम क्या है, ये राजनीतिक बखेड़ा। मेरे सामने खुद खुरा बनाने के लिए सरपंच जी आए थे कि मैं खुरा बना रहा हूँ उनको, भाई बनाओ, कौन दिक्कत है, कौन रोक रहा है आपको, बनाओ। लेकिन ठीक थोड़ा ढंग से बनाना यार भाई, ऐसे नहीं है कि आप धूल माटी कर दो। बोला ठीक बनाएंगे, बनाओ भाई, कौन रोकता, आप कोई नहीं रोकेगा, बनाया। और भी मेघवाल के मोहल्ले में भी काम हुआ है, कोई नहीं रोका। हमारे मोहल्ले में भी काम हुआ, हमने भी नहीं रोका। गांव का और भी कोई टूटा काम किया, कोई बोरिंग लगाया, किसी ने नहीं रोका। लेकिन ये राजनीति आ गई यहाँ, काम तो मेरे को करना है। राजनीति में यह राजनीति आ गई कि ये खुरा है, ये पुराना बना हुआ है। अगर भाई तू बनाना चाहता है तो इसको खोद करके लगाओ, इसको बढ़िया तरीके से बनाओ। कौन बना कर रहा है, पट्टी का भी लगाओ, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन पट्टी का लगा दूंगा, काम हो या ना हो ये चलेगा। पट्टी का पहले ही लगा दी, काम अभी काम हो रहा ही नहीं, पट्टी का लगा दो अपना नाम। आश्वासन या उम्मीद दे के गए कि होगा वो, अभी क्या पता इनका। ये झूठ की सरकार, झूठ की सरकार, झूठ बोलना इनका काम, और इनको कोई लेना देना झूठ बोलते। राजा बड़ा, बहुत बड़ा राजा हूँ मैं मंत्री हूँ और झूठ बोलता हूँ, क्या है। तो फोड़ने में कौन शामिल हो, जो पट्टी का तोड़ी गई में कौन क्या पता। अब ये तो मेरे को पता नहीं किसने फोड़ी। अजय आजकल राजनीति है, इसमें खुद लगा के खुद भी तोड़ते हैं, ये राजनीति है। लगाउनिया फोड़ गया और कौन फोड़ो दूसरो, महाराज साहब 2 किलोमीटर का दूर है, पट्टी फोड़ना हो आगे जी है, 2 किलोमीटर दूर घर है, वो आपने ठिबाड़ा भी पट्टी फोड़ना हो गया। अब लुगाया का नाम ले रहे हैं, लुगाया का डर 2 किलोमीटर है बैठे देखना होगी की पट्टी फोड़ी है। किको नाम ले रही है, वह संजू का नाम ले रही है, बार बार खड़ी है संजू जी, खड़े ही बस संजू जी को पट्टी का तोड़ के गए। उनका तो घर दूर है, अब वो यहाँ क्या करेगा 12 बजे, और बीमार है वो तो दवाई ले रहा है, आज भी इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ वो हकीकत में तोड़े खुद है, खुद ही तोड़ेंगे और दूसरों को तोड़ेगा, वो दूसरे तोड़ेगा। चीज ने कंफर्म क्या करेगी भी कौन तोड़े है, इस चीज ने क्या कंफर्म करी जाएगी तोड़े कौन है। मैं थोड़ा कर रहा हूँ राजनीतिक चाल दी अभी वजह से तोड़े है कि भाई इनके ऊपर मुकदमा हुआ कि यहाँ के ऊपर राजेंद्र गुड़ा की मीटिंग के रूप में इन्होंने प्रोग्राम को रख लिया। प्रोग्राम में मात्र यानी 5-4 व्यक्ति उसको मंत्री साहब को यहाँ के ऊपर मिले, उसके बाद ये 15-10 और आ गए वहाँ के ऊपर प्रोग्राम करने पर। राजेंद्र गुड़ा साहब ने खुद ने कहा है कि मथुरा प्रसाद जी छोटा मुंह करने की आवश्यकता नहीं है, संख्या कमपत्ति भी हो सकती है। तो इन लोगों ने यह देखा कि गाँव तो अपने से निकल गया, अब गाँव को वापस मोड़ने के लिए इन्होंने एक नारा दिया है, जिस प्रकार से मंत्री नारा देते हैं 60 वर्ष जैसे आदर, इसमें भी यही वैसा ही नारा दिया है कि 8 वर्षेज अदर। तो ये कहना चाह रहा है कि इस प्रकार से मेरे को, यानी मैं ऐसे समाज से आता हूँ, मैं एससी का सरपंच हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, यानी एससी का कोई सरपंच नहीं है। सरपंच होता है गांव का राजा होता है, राजा की कुर्सी के ऊपर कहीं ये लिखा हुआ नहीं होता है कि ये एससी का है, ये ओबीसी का है, ये एसटी का है। वो गांव का राजा होता है, फर्स्ट मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट से बड़ा होता है, सरपंच का लिखा हुआ यानी सुप्रीम कोर्ट तक भी कभी करता नहीं है, और उसके बाद में वो कहते हैं मैं ऐसे समाज से आता हूँ। इस प्रकार से इस समाज में बंदर फैला करके और वो गांव को 2 भागों में डिवाइड करना चाहते हैं, और वो अपना वोटों की डोटियां सेकना चाहते हैं। यदि वो, मैं मान रहा हूं यदि वो उद्घाटन नहीं करता तो उसने गांव में 2 खुरे बनाए, भीतर बनाए, उनके पट्टिका उन लोगों ने क्यों नहीं लगाई, बनने लगे अपने उन लोगों ने पट्टिका क्यों नहीं लगाई। इसके बाद में मेरे संदेह में आटके नहीं आ रही, इसी समाज के व्यक्ति ने 10 लाख रुपए उसको प्रधान से दिलवाए थे और उसका निर्माण कार्य हो रहा है, न उसका उद्घाटन हुआ, न उसका यानी शिलान्यास हुआ, किसी प्रकार से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये राजनीतिक नहीं है क्या, ये राजनीतिक रोज में नहीं आती है इसलिए नहीं आ रही।
जिसको वोट डाल दिए और इसको राजा बना दिया। लोगों ने देखा पड़ा हुआ व्यक्ति है, गांव का भला करेगा, पर गांव का भला न कर करके गांव के दो दो मुंह इस व्यक्ति ने मुंडे हैं और तीसरे मुकदमा की वो तैयारी कर रहे हैं कि मैं ये भी उसको मुकदमा मर दूंगा। तो विपक्ष वाले किसी प्रकार से बोलने से मना कर देंगे और मैं चाहूंगा इस गांव में इस प्रकार का यह षड्यंत्र रचा गया। तो अभी थे देख रहा था कि ग्रामवासियों को काफी आक्रोश है। आखिरी बात की है कि इन सच्चाई के आप इस सच्चाई की तह तक जाऊंगा, सरपंच जी से भी बात कर सकते और बाकी लोगों से भी बात कर सकते हैं कि ये मामला की आखिर सच्चाई है कि, और सच्चाई की तह तक थाना जरूर ले जाऊं। तब तक मेरे साथ चैनल पर बने रहो।